चलिए दोस्तों, मेला लगा है 22 तारीख तक। अभी मेला रहेगा तो अभी हम लोग का इसी तरह बेचना पड़ेगा। देख रहे सकते हैं पापा जा रहे हैं, अभी आएंगे 7-8 बजे रात। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक और न्यू ब्लॉग में। दोस्तों जैसे कि आप लोगों को पता है कि हम लोग का गोला डेली मार्केट में मेला लग गया है, जिसके कारण अभी वहाँ पर सब्जी बेचना अलाव नहीं है। तो सभी जितना सब्जी बेचने वाला है सब रोड सड़क के किनारे लगा रहा है, तो सबको पहले जाकर वहाँ जगह मटिया लिया था और हम लोग को जगह नहीं मिला काम, इसलिए हम लोग का सब्जी नहीं बिक रहा है। हम लोग दूसरा जगह लगाए थे लेकिन वहाँ पर सब्जी नहीं बिका, इसलिए 3 दिन से हम लोग का सब्जी नहीं बिक रहा है दोस्तों। इसलिए हम लोग फाइनली सोचे कि अब सब्जी बेचना नहीं बेचेंगे सड़क के किनारे काम, क्योंकि शीत उत भी गिरता है दोस्तों, सबका तबीयत खराब हो जाता है और माँ का भी तबीयत पूरा खराब हो गया, पैर हाथी सब दुखने लगा, माथा होता पूरा। तो इसीलिए आज हम लोग जो सब्जी उब्जी नहीं खरीदे, कल का जो हम लोग का बासी सब्जी है वही वाला आज बेचेंगे पापा, है ना। तो चलिए पापा बेच के लाइएगा फटाफट। और देख सकते हैं माँ जो है मटर निकाल रहे हैं सब्जी बनाने के लिए। तो फिलहाल अभी हम लोग जा रहे हैं, अभी पापा जाएंगे बेचने के लिए। देख सकते हैं पूरा हम लोग का है ना, इस शिमला का 3 दिन हो गया है दोस्तों लेकिन नहीं बिक रहा है, है ना। चले टमाटर लाते हैं, पकड़ पकड़ उल्टी भरा उल्टी। चलिए दोस्तों मेला लगा है 22 तारीख तक, अभी मेला रहेगा तो अभी हम लोग का इसी तरह बेचना पड़ेगा, है ना। तो अभी पापा जाएंगे घूम के बस्ती तरफ से, सस्ता कम रेट में बेच बेच के आएंगे दोस्तों, है ना। पापा खरीद रेट में भी बेच दीजिएगा, है ना। इस बाजार अभी पूरा खराब हो गया है तो दोस्तों अभी हम लोग का स्थिति थोड़ा सा गंभीर हो गया है ना। माँ बेटा दोनों का तबीयत भी खराब हो गया, शीत में सड़क के किनारे प्लास्टिक बांधने का सुविधा नहीं होता तो शीत गिरता है पूरा अभी, और शीत गिरने से सबका सर्दी हो गया है। कब टमाटर पापा 10 रुपया बेच दीजिएगा, 10 का खरीदे दोस्तों टमाटर, 10 बेचने के लिए बोल रहे पापा को, काहे की मान लीजिए कस्टमर नहीं पकड़ेगा तो फिर नुकसान हो जाएगा, काहे की पहले से बासी है और बासी हो जाएगा, है ना। शिमला का चलिए पापा बेच के आइएगा फटाफट, है ना। और देखते हैं दोस्तों आज पापा कितना की बेच के आते हैं। शिमला भी 40 का खरीदे और 40 रुपये बेचने के लिए बोल दिए हैं दोस्तों, है ना। तो शिमला भी 40 रुपये बेच दीजिएगा, शिमला है ना 40 का खरीद है, 40 में खरीदे शिमला 40 बेच दीजिएगा, टमाटर 10 खरीदे 10 बेच दीजिएगा, है ना। फूलगोभी भी 10 बेच दीजिएगा। चलिए दोस्तों जाएंगे पापा बेचने के लिए, देखते हैं पापा आज कितना का सब्जी बेच के आते हैं। क्या पापा आसान को हम लोग गिनेंगे सब पे, है ना। फिलहाल आप देख सकते हैं माँ इधर क्या कर रहे हैं, हम लोग का सरकारी गैस मिला है दोस्तों, उज्ज्वला वाला उला में देखिए खाना बन रहा है। थोड़ा सा गैस भी इतना महंगा है कि पैसा सेविंग नहीं कर पाते हैं, एकदम 1100 रुपया ले लेता है, 1115 रुपया 10 रुपया एकदम पूरा सेविंग नहीं हो पाता है हम लोग का। एक दूसरा हम लोग का पापा का दवा भी लेना पड़ जाता है। चलिए तो देखिए दोस्तों मिर्चा ले दे रहे हैं, हम लोग का बस घर है दोस्तों, देख सकते हैं रोड जाएंगे। चलिए सकते हैं पापा जा रहे हैं, अभी आएंगे 7-8 बजे रात। तो दोस्तों फाइनली जो है हम लोग का पापा तो चल गया सब्जी बेचने के लिए, और घर में देखिए हम लोग शिमला मिर्च जो बचा है वही हम लोग भूज रहे हैं, मटर डाल चुका हम, मटर डाले हैं, शिमला मिर्च है और क्या चीज में, और इसमें जूस भी डाल दिए हैं, इसको भुजिया बहुत मजा आएगा खाने में काम। और इधर सब्जी बन गया है, फूलगोभी और आलू का सब्जी, है ना। तो सब्जी बेचने का एक फायदा होता है कि सब्जी खरीदना नहीं पड़ता है, थोड़ा थोड़ा सब सब्जी रख लीजिए और आराम से बेच बनाइए सब्जी, कोई दिक्कत नहीं है, है ना। तो चलिए एक फायदा हो रहा है सब्जी बेचने से, सब्जी खरीद के खाना नहीं पड़ रहा है काम, और वही वाला भी फायदा है कि सब्जी खरीदना नहीं पड़ता है, राशन भी मिल जाता है, राशन उधर से हो जाता है, चावल मिल जाता है कोटा से, और सब्जी अपना जो बेचते है उसी से जाता है गुजारा भी चल जा रहा है। लेकिन वही है कि थोड़ा सा कि घर उर नहीं बनाने के लिए सक रहे हैं ना, पैसा से भी नहीं कर पा रहे हैं, माँ का भी इलाज करवाना है, नाक का ऑपरेशन करवाना है, 50-60 हजार लगेगा, पैसा नहीं कलेक्ट कर पा रहे हैं, सेविंग नहीं हो रहा है दोस्तों, क्या करें समझ में नहीं आ रहा है। चलिए देखते हैं शाम में पापा आते हैं और कितना का सब्जी कितने रुपए का सब्जी बेच के आते हैं, और गिरेंगे, है ना। सब खरीद रेट में बेचने के लिए बोल दिए हैं,
तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि पैसा जो है ज़मीन में रख चुके हैं और सबको अच्छा से जा रहे हैं सेट करेंगे दोस्तों, है ना, और इसको मिला लेंगे सब अच्छा से सेट कर लेंगे एक साइड में, जैसे महात्मा गांधी एक साइड करना होगा दोस्तों, है ना, और फिर गिनते हैं दोस्तों। और आप लोगों को बताता हूँ कि आज पापा जो